जोहार हजारीबाग में फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग में लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी हलचल यहां पे दिख रही है। यशवंत सिन्हा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ, आप देख सकते हैं जेपी पटेल के साथ, और इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा यहां पे मीटिंग चल रहा है। और लगभग दो घंटे मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन के सारे नेता लोकसभा के आसपास के जितने प्रत्याशी हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे पर नोटिस, उसके भाई पर नोटिस है। ये नोटिस इसलिए किया जा रहा है कि हजारीबाग लोकसभा में हमारी जीत हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, सब लोग यशवंत सिन्हा जी के घर ऋषभ वाटिका में पहुंचे हैं। और राजधनवार से आए पूर्व विधायक आदरणीय राजकुमार यादव जी का आगमन हो चुका है और बहुत बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग चली है। मीटिंग में क्या क्या हुआ सब दिखाएंगे, यशवंत सिन्हा ने क्या कहा वो भी दिखाएंगे, लेकिन मुख्य बात यही रही कि यशवंत सिन्हा ने अपने समर्थकों से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी का टेक ओवर हो गया है जेवीएम के, पुराने जेवीएम के करें। और भी बहुत कुछ किया कहा जो प्रत्याशी भाजपा से हैं उसके लिए क्या कहा, और यहाँ के लोगों के लिए क्या कहा, और जेपी पटेल के बारे में क्या कहा, सब कुछ जानेंगे। जेपी पटेल ने क्या कहा, अकेला यादव जी ने क्या कहा, रामगढ़ की जो पूर्व विधायक है ममता देवी, उन्होंने क्या कहा, बहुत सारी बातें हुई। मुख्य यही है कि हजारीबाग में जो माहौल है चुनावी, वो इंडिया गठबंधन ने एक ऐसा बनाने की कोशिश कर रही है, माहौल बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें यशवंत सिन्हा आ गए हैं चुनावी राज। आप जात पात और धर्म के नाम पर, मस्जिद और मस्जिद के नाम पर लोगों को केवल बांटने और नफरत फैलाने का जो काम यहाँ की भाजपा की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष जसवाल जी के पुत्र करण जसवाल जी जे के डी लीकर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने 2021 में जुलाई और अक्टूबर में 4 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा है, और खरीदा है और उसका पिताजी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इसलिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड यदि जो हमारे इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे आज पूरे भारत में जिनको जिन लोगों ने खरीदा है वो बाहर है और जिसके पास कोई नहीं है वो अंदर कर दिया गया है। अतीतों को, यहाँ के पिछड़ों को हमेशा नफरत के दृष्टिकोण से देश को बांटने का काम किया, लेकिन आज वैसे योद्धा जो पूरे देश में अपना एक नेतृत्व किया है, और हाल ही में आपने देखा होगा कि देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसमें यूपीए गठबंधन के तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, ऐसे हमारे सम्मानित अभिभावक और इस क्षेत्र के पूर्व लोकप्रिय सांसद रहे और पूरे देश के एक लोकप्रिय नेता हमारे अभिभावक स्वरूप आदरणीय श्री जसवंत सिन्हा जी। क्या कमिटमेंट, क्या प्रतिबद्धता है और चुनाव के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, इन चीजों को आपके साथ साझा करने के लिए आज आपको कष्ट दिया गया। मतलब हर आदमी को कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी त्रस्त किए हैं, और ये त्रस्तता की त्रासदी यह है कि भारत की जनमानस जो है सो मोदी जी को बदलने के लिए तैयार है। ऋषभ वाटिका में जो माहौल है आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ता है, तो अकेला जी जीत जीत पक्की है, है? जीत पक्की है, इसमें दो मत है। इतना बड़ा पहली बार हो आयोजन देख रहे हैं हम लोग, तो मैंने प्रयास किया, पहले तो सबसे पहले मैं मेरा प्रयास है सफल हुआ, आये जीत का आज जसवंत सिन्हा जी के मुंह में शक्कर और घी है और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, निश्चित तौर पर जीत पक्की। कितना मेहनत लगा यशवंत सिन्हा को लाने में साथ में? देखिए वो गार्जियन है, उनको लाने में नहीं, उनके पास आइएगा, गार्जियन के आशीर्वाद लीजिएगा तब जाइएगा, तब नहीं मिलेगा, इतने देर हमारे आया और हम आशीर्वाद में। मुख्य रूप से मैंने आज के प्रेस वार्ता में एक बात कही है, और वे कही है कि देश के को बचाने के साथ साथ हमें हजारीबाग को भी बचाना है, क्योंकि अगर हजारीबाग
इस चुनाव में गलत हाथों में चला जाता है तो हजारीबाग के लोगों का और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का बहुत नुकसान होगा। हम सब जानते हैं कि हजारीबाग विधानसभा में पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ है। ऐसे बिल्कुल खुले रूप से नाजायज तरीके से पैसा बनाने का काम किया गया है। इसको बचाने के लिए जयप्रकाश भाई पटेल को यहाँ से चुनाव जीता। लेकिन मैं अपनी माता तुल्य जिन्होंने अपने आशीर्वाद देने के लिए भी हम सबों के बीच में बैठे हुए, वैसे हमारी माता तुल्य आदरणीय श्रीमती नीलिमा सिन्हा जी, इनका भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। अपने विचारों को रख रहे थे, मैं अपनी पत्नी को साथ रखता हूं। चलिए उसी रूप में आशीर्वाद देने माँ आ रही है। सिन्हा जिंदाबाद, 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या आपने देखा कि इंडिया गठबंधन ने किस प्रकार मजबूती के साथ यहाँ पर एकत्रित होकर जयप्रकाश भाई पटेल जो इंडिया गठबंधन के यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनको जिताने का संकल्प लिया। अपने आप में मैं मानता हूँ कि एक ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर कोई मतभेद नहीं, सब लोग मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल के साथ खड़े हैं और इसका परिणाम हमें चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेगा 4 जून। मित्रों, मैंने अपने जीवन के 40 साल हजारीबाग में बिताए, 40 साल, और जब से यहाँ मैंने पब्लिक लाइफ में पदार्पण किया तब से लेकर आज तक और शायद मरते दम तक मेरा एक ही उद्देश्य रहा है और रहेगा कि हजारीबाग के लोग तरक्की करें, हजारीबाग क्षेत्र जो है लोकसभा क्षेत्र वह तरक्की करें, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग हो और यह क्षेत्र आगे बढ़े। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने काम किया। आज मुझे कहते हुए इस बात का अफसोस है कि कुछ लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ के जो अवसर हैं, यहाँ के जो संसाधन हैं उसका कैसे दुरुपयोग करके, कैसे उसको हथिया कर वो अपना उल्लू सीधा। और जब मैं देखता हूँ यह दृश्य तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि राजनीति का उद्देश्य कभी भी अपना प्रमोशन और अपना फायदा नहीं हो सकता। राजनीति का एकमात्र उद्देश्य होगा कि जनता को हम कैसे आगे बढ़ाएं, जनता की हम सेवा कैसे करें। और इसीलिए हजारीबाग के भविष्य को लेकर आज मैं चिंतित इसलिए हूं, यदि हम यहाँ जो हजारीबाग विधानसभा में जो दृश्य हमने देखा है पिछले 10 वर्षों में, अगर वही दृश्य हमें देखने को मिलेगा पूरे लोकसभा क्षेत्र में तो मेरी रूह कांपती है
क्षेत्र के भविष्य के बारे में, और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई जब इंडिया गठबंधन ने जयप्रकाश भाई पटेल को यहां से उम्मीदवार बनाया।